हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्रश कैमरा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हाउ आर यू ऑल आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन एंड सेफ एट योर होम क्या कर रहे हैं आप लोग व्हाट आर यू ऑल डूइंग एट योर होम किस तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है बेटा दिस इज

this is a short introduction from my side to you so today we will be discussing about the chapter a washerman and his donkey what you will have to do firstly take out your book and come on page number 17 okay so come on page number 17 i'll just play the uh, slide here फर्स्टली यू कैन सी दर इज अ पिक्चर ऑफ अ वाशमैन एंड द डॉकी ये द वॉशमैन इज सर्चिंग फॉर समथिंग नो वॉट ही सर्चिंग वी विल गेट टू नो एन द चैप्टर इट सेल्फ एंड हेर इज अ डी ऑल्सो एक डंकी भी है यहां पे बेटा जो आप देख सकते हैं सो डंकी इज हैपी ही डोंट नो वॉट इज हैिंग बर्सन द वॉशमैन इज अ फाइंडिंग समथिंग कुछ वो ढूंढ रहा है

देर लिव अ वाशमैन कौन रहता था वहां पे एक वॉशमैन जिसको कि आप कह सकते हैं जो कि आपके डॉ क्लोथ कलेक्ट करके वॉश करते हैं उनको क्लीन करते हैं उनको प्रेस करते हैं सो यू कैन सी दैट वॉशमैन इज अ पर्सन हु क्लीन डी क्लोथ्स ओके हिज नेम वॉज घासीराम क्या नाम था उनका घासी राम घासी राम यूज टू ब्रिंक ग्रबी क्लोथ फ्रॉम द हाउसेज ऑफ वेल टू डू फैमिलीज टू वॉश एंड आई एन दम ओके एज ही वॉज वाशिमैन वाशिंगमैन था तो वो क्या करता था जो डर्टी क्लोथ्स होते थे लोगों के उसको कलेक्ट करके ही यूज टू वॉश दैम एंड ही यूज़ टू प्रेस दैम आप देखते हैं न मम्मा पापा प्रेस किए हुए वेल सूटेड आप क्लोथ्स पहनते हैं आप भी प्रेस किए हुए क्लोथ स्कूल पहन के आते हैं सो ही यूज टू ब्रिंग ऑल दीज ग्रबी क्लोथ्स फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली जो बहुत अच्छी फैमिलीज होती है जो रिच फैमिलीज होती उनके घर से वो क्लोथ्स लेकर आता है फॉर वॉशिंग द क्लोथ ही वेंट टू अ रिवर बाउट सेवन माइल्स फ्राम हिस्स हाउस और इन कपड़ों को वॉश करने के लिए वो कहाँ जाता है बेटा रिवर पर जाता है नदी पर जाता है जहाँ पर वो उन कपड़ों को वॉश करता है जो रिवर उसके घर से सेवन माइल्स दूर है सात माइल्स उसके घर से दूर है बिकॉज रिवर इज अ सोर्स ऑफ वॉटर विच इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट इज अवेलेबल टू एवरी वन अब अगर आपके घर से कोई पानी मांगेगा तो आप पानी रोज रोज तो नहीं देंगे बट रिवर इज फॉर एवरी वन सभी के लिए है रिवर रिवर को सब यूज कर सकते हैं रिवर का पानी सब यूज कर सकते हैं सो ही यूज टू गो टू द रिवर विच वॉज सेवन माइल्स फ्राम हिस हाउस ही हैड अ डोंकी और क्या था उसके पास एक डोंकी था जो की आपको पिक्चर में दिख रहा है ओके okay?

होता था रिवर के पास ओके यस घासी टायर्ड रिटर्निंग सो ही टुक रेस्ट अंडर शेडी ट्रीन दिटवे और क्या होता था घासी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करने लगते थे बीच में तो क्या करते थे एक पेड़ की छाँव के नीचे वो थोड़ा रेस्ट कर लेते थे अपना थोड़ा रेस्ट कर लेते थे ताकि उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो ताकि उनकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए

So today we will be discussing till here only that how the washerman took the donkey to the river, how they both used to go, what is the actual story that we will came to know in the next class till then stay connected to me and keep on watching these online classes. We will be knowing the complete story in the next class. So your assignment for today will be to write down the meaning. For example, here two words which are important are grubby and well to do. So, you will have to write down the meaning of these two words. Okay? Till then, take care of yourself, of your family. I'll see you in the next class. Bye bye.